क्वेश्चन में दिया हुआ कि फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ़ ए रेगुलर पोलीगोन रेगुलर पोलीगोन का नंबर ऑफ डायगोनल्स आपको फाइंड करना है सम ऑफ़ हुज इंटीरियर एंगल इज 2700 डिग्री यानी कि 2700 डिग्री दिया हुआ है सम ऑफ़ इंटीरियर एंगल आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करना है रेगुलर पोलीगोन का कुछ नहीं करना है आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको फॉर्मुला पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए ध्यान देंगे सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ पॉलीगोन इक्वल टू एन माइनस टू इंटू वन हंड्रेड एट्टी डिग्री और नंबर ऑफ़ डायगोनल्स ऑफ पॉलीगोन एन इंटू एन माइनस थ्री बाई टू वेयर एन इक्वल टू नंबर ऑफ़ साइड्स यह फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए ध्यान देंगे कुछ नहीं करना है सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है यानी कि एन माइनस टू इंटू वन हंड्रेड एट्टी डिग्री टू ट्वेंटी सेवन हंड्रेड डिग्री कुछ नहीं करना है एक सौ अस्सी से सताइसौ को काट देना है एक सौ अस्सी से सताईस सौ को काटेंगे पंद्रह बार में एन माइनस टू इजकअल टू फिफ्टीन तो एन इजल टू आपका आ गया सेवनटीन अब आपको निकालना है नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए रेगुलर पोलिगोन आपको पता है कि नंबर ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला होता है एन इंटू एन माइनस थ्री बाई टू और एन आपका क्या है नंबर ऑफ साइड्स है कुछ नहीं करना है सीधा सोल्व कर देना है सेवनटीन इंटू सेवेंटीन माइनस थ्री बाई टू यानी कि आपका रिजल्ट आ गया 17 इंटू फोर्टीन बाई टू यानी कि दो से कट गया सात बार में और सत्रह सत्य होता है उन्नीसा से यानी कि वन वन नाइन जिस ऑप्शन में होगा वही आपका राइट आंसर होगा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू यानी कि आपको यह फॉर्मूला पता होना चाहिए आप इसे नोट कर लेंगे चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन में दिया हुआ कि पता है एक्सटर्नल एंगल ऑफ है रेगुलर पोलीगोन इज एटीन दे डिग्री देन, देन द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन दिस पोलीगोन यानी कि एक्सटर्नल एंगल दिया हुआ है रेगुलर पोलीगोन का अठारह डिग्री एटीन डिग्री और आपसे बोल रहा है कि नंबर ऑफ डायगोनल्स आप निकालिए इस पोलीगोन का कुछ नहीं करना है सीधा ध्वस्त कर देना है आपको इस क्वेश्चन को बनाने से पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए एक्सटर्नल एंगल ऑफ पॉलीगोन का कुछ नहीं करना है ध्यान देंगे एक्सटर्नल एंगल ऑफ पॉलीगोन इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई एन वेयर एन इक्वल टू नंबर ऑफ साइड और डायगोनल ऑफ पॉलीगोन होता है एन इन टू एन माइनस थ्री बाई टू आप इसे ध्यान में रखेंगे आप कुछ नहीं करना है सीधा सॉल्व कर देना ध्यान देंगे क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक्सटर्नल एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगोन इज एटीन डिग्री देन द नंबर ऑफ डायगोनल निकालना है पॉलिकॉन का कुछ नहीं करना सीधा ध्वस्त कर देना ध्यान देंगे एक्सटर्नल एंगल ऑफ पॉलीगोन इज इक्वल टू होता है 360 डिग्री बाय एन यानी कि अठारह की छत्तीस यानी कि 20 डिग्री आ गया अब कुछ नहीं करना सीधा डायगोनल निकालना है यानी कि डायगोनल ऑफ़ पॉलीगोन होता है एन इंटू एन माइनस थ्री बाई टू यानी कि ट्वेंटी इंटू ट्वेंटी माइनस थ्री बाई टू यानी कि टू से आपका कट गया टेन टाइम्स में यानी कि दस गुने सत्रह इजकअल टू वन हंड्रेड सेवेंटी जिस ऑप्शन में होगा वही आपका राइट आंसर होगा करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर थ्री मात्र दो सेकेंड के अंदर रोनते हुए आगे